जिस शख्स ने अमिताभ बच्चन को बनाया एंग्री यंग मैन, उसी ने दी रिटायरमेंट की सलाह। सलमान खान के पिता सलीम खान ने बिग बी को फिल्मों से फ्री हो जाने के लिए कहा है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 79 इयर्स के हो चुके हैं। अमिताभ सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि खुद में एक फिल्म इंस्टीट्यूट है। बीते 5 दशक से भी ज्यादा लंबे वक्त से अमिताभ बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं। अमिताभ के अभिनय का सफर आज भी जारी है। छोटे पर्दे पर वो ज्ञान और बुद्धि के गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं, तो वहीं वह झुंड, ब्रह्मास्त्र, बटरफ्लाई, मेडे, गुड बाय और ऊंचाई जैसी बड़ी बजट की फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि बढ़ती उम्र का असर अमिताभ और उनके काम करने के जज्बे पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच सलमान खान के पापा सलीम खान ने अमिताभ को रिटायरमेंट लेने की सलाह दे दी है। जी हाँ, सलीम खान ने अमिताभ को सलाह दी है कि अब उनके लायक फिल्मों की स्क्रिप्ट्स नहीं बची हैं, उन्हें ग्रेसफुली फ्री हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि सलीम खान जाने माने लेखक हैं। जंजीर, शोले, शान, दोस्ताना, डॉन, त्रिशूल जैसी अमिताभ की कई सुपरहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट सलीम खान ने ही लिखी थी। या यूं कहें कि अमिताभ को 70s के दौर में बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बनाने में सलीम खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब सलीम खान का मानना है कि अमिताभ को खुद को भाग दौड़ से मुक्त कर लेना चाहिए और अब कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन और उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए सलीम खान ने कहा कि अमिताभ बच्चन को जो कुछ भी जिंदगी में हासिल करना था वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं। उन्होंने प्रोफेशनल तौर पर अपनी इनिंग्स काफी शानदार तरीके से खेली है, उन्होंने अच्छा काम किया है और अब उन्हें खुद इस रेस में से हट जाना चाहिए, उन्हें ग्रेसफुली रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। दरअसल सलीम खान का मानना है कि एक वक्त के बाद इंसान को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए। अपना उदाहरण देते हुए सलीम खान ने यह भी कहा कि रिटायरमेंट का सिस्टम इसलिए है ताकि एक इंसान अपनी जिंदगी के कुछ साल अपनी इच्छा के हिसाब से गुजारे। उदाहरण के तौर पर मेरा संसार अब सीमित है। सलीम खान के मुताबिक अपने फिल्मी करियर में अमिताभ ने हर तरह की फिल्मों में काम किया है, कई यादगार रोल निभाए हैं। एंग्री यंग मैन का किरदार उनसे अच्छी तरह से कोई नहीं निभा सकता था, लेकिन अब अमिताभ के हिसाब से फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही है। सलीम खान का कहना है कि बॉलीवुड वालों के पास अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं है, अमिताभ जैसे एक्टर के लायक कहानियां नहीं हैं।